छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है प्रतिरक्षण, स्वाभाविक प्रतिरक्षण तंत्र में सुरक्षा के प्रथम स्तर जो है, प्रथम स्तर या जो है बाहरी अवरोधक या जो है भीतर बाहरी जो है प्रतिरक्षा के बारे में चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं जो है सुरक्षा के दूसरे स्तर या भीतरी अवरोधक या भीतरी प्रतिरक्षा के बारे में चर्चा करने। तो छात्रों जो है ये प्राथमिक जो होता है, प्रथम सुरक्षा का स्तर जो होता है, प्रथम सुरक्षा का स्तर पूर्ण रूपेण जो होता है, पूर्ण रूपेण अभेद नहीं होता, अभेद नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि जो है हमारे शरीर में यदि सुरक्षा के प्रथम स्तर को भेद कर रोगाण रोगाणु एवं विष पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें निष्क्रिय करने का कार्य जो होता है या उसे सुरक्षा करने का कार्य जो होता है, सुरक्षा का दूसरा स्तर करता है। सुरक्षा का दूसरा स्तर करता है। इसमें जो है इसमें विभिन्न प्रकार की जो है विभिन्न प्रकार की रुधिर कणिकाएं खास करके WBC रुधिर कणिकाएं यौन जो है रासायनिक पदार्थ जो होते हैं भाग लेते हैं। तो क्या हमने बताया कि जो ये सुरक्षा का प्रथम स्तर तो अर्थात त्वचा और विभिन्न अंगों के जो है भीतरी स्तर यानी शरीर श्रृंखला, ये जो है पूर्ण रूप से जो होते हैं अभेद नहीं होते हैं। जब इन दोनों जब सुरक्षा के प्रथम स्तर को जो है भेद कर हमारे शरीर में रोगाणु एवं विष पदार्थ जो होते हैं प्राप्त करते हैं, तो उनसे सुरक्षा करने के लिए या उनसे रक्षा करने के लिए हमारे शरीर में सुरक्षा का दूसरा स्तर होता है, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार की रुधिर कणिकाएं यौन जो होते हैं रासायनिक पदार्थ जो होते हैं भाग लेते हैं। ये कौन कौन से रुधिर कणिकाएं या रासायनिक पदार्थ भाग लेते हैं, उसमें नंबर वन है प्रति रोगाणु पदार्थ एंटी माइक्रो बियर सब्सटेंस, दूसरा जो है प्राकृतिक विनाश, दूसरा है प्राकृतिक विनाशकारी कोशिकाएं, नेचुरल
फिगर सेल्स, तीसरा जो है भक्षी कोशिकाएं, भक्षी कोशिकाएं फैगोसाइट्स, और चौथा जो है प्रदाह प्रक्रिया, जिसको हम जन्म कहते हैं प्रदाह प्रक्रिया, या शोथ इन्फ्लेमेशन, और पांचवें कहते हैं जड़ बुखार, जिसको हम कहते हैं ज्वर फीवर। तो छात्रों जो है द्वितीय सुरक्षा स्तर में या भीतरी प्रतिरक्षा में जो है ये इतने चीजें भाग लेती हैं, जिसमें प्रथम है प्रतिरोगाणु पदार्थ एंटी माइक्रोबियल सेल्स है, दूसरा है हमारा बिना प्राकृतिक विनाशकारी कोशिकाएं, तीसरा है भक्षी कोशिकाएं, और चौथा है पदार्थ प्रक्रिया या शोध, और पांचवा है ज्वर यानी फीवर। आइए हम चर्चा करते हैं प्रतिरोगाणु पदार्थ के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम आइए प्रति रोगाणु, प्रतिरोगाणु पदार्थ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे शरीर में त्वचा यौन श्लेष्मिक कला को जो है भेद कर रोगाणु यौन विष पदार्थ शरीर के रुधिर यौन जो है ऊतक द्रव में प्रवेश करते हैं, तो जो है शरीर के बाह्य कोशिकीय द्रव, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ईसीएल, इसका सेलुलर फ्लूइड में कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ, जिन्हें हम प्रोटीन कहते हैं, पदार्थ होते हैं जो रोगाणुओं यौन विष पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करते हैं।
तो क्या हमने बताया कि जो है यदि हमारे शरीर में त्वचा और जो है श्लेष्मी कला को भेद करके विभिन्न प्रकार के रोगाणु विष पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर के रुधिर और मूत्र द्रव्य में प्रवेश करते हैं, तो उनसे रक्षा करने के लिए हमारे शरीर के बाह्य कोश के द्रव्य में विशेष प्रकार के जो होते हैं प्रोटीन या पदार्थ होते हैं, जिन्हें हम जो होता है प्रतिरोगाणु पदार्थ कहते हैं, जिन्हें प्रतिरोगाणु पदार्थ कहते हैं। अब ये कौन कौन से पदार्थ होते हैं? इसमें नंबर वन जो है ट्रांसफेरिंस, ध्यान दीजिएगा, यह प्रोटीन होता है, यह प्रोटीन हमारे रुधिर में पाई जाती है, जो रोगाणुओं एवं विष पदार्थों को नष्ट करती है। क्या करती है? नष्ट करती है। दूसरा कौन सा पदार्थ है? दूसरे कहते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है? यह जो होता है वायरस से संक्रमित, वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा ऊतक द्रव्य मुक्त एक ग्लाइको प्रोटीन युक्त जो होता है पदार्थ होता है, जो अन्य कोशिकाओं को वायरस से सुरक्षित करता है, तो क्या हमने बताया जो है प्रतिरोगाणु पदार्थ में कि हमारे शरीर की त्वचा एवं श्लेष्मी के कला को भेद कर यह रोगाणु एवं विष पदार्थ रुधिर एवं मूत्र द्रव में प्रवेश करते हैं, तो शरीर के बाह्य कोशिकीय द्रव में जो है कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जो रोगाणु एवं विष पदार्थों को जो है नष्ट करने का कार्य करते हैं, जिन्हें हम प्रतिरोगाणु पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, प्रथम को कहते हैं ट्रांसफेरिंस और दूसरे कहते हैं इंटरफेरॉन। ट्रांसफेरिंस जो है ये प्रोटीन होता है जो हमारे रुधिर में पाई जाती है, जो रोगाणुओं एवं विष पदार्थों को नष्ट करते हैं अर्थात जो रुधिर में पहुंचते हैं उन्हें नष्ट करने का कार्य करती है। दूसरा जो है इंटरफेरेंस, ये वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा ऊतक द्रव्य में मुक्त एक ग्लाइकोप्रोटीन युक्त पदार्थ होता है। क्या होता है? एक ग्लाइकोप्रोटीन युक्त पदार्थ होता है जो अन्य कोशिकाओं को यानी संक्रमित कोशिकाओं से अतिरिक्त अन्य कोशिकाओं से वायरस से जो होता सुरक्षित करता है। आइए
दूसरा जो है प्राकृतिक विनाशकारी पुरुष है, प्राकृतिक विनाश कार्य पुरुष है, नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स ध्यान दीजिएगा, यज जो है हमारे शरीर के रुधिर यौन ऊतक द्रव में, ऊतक द्रव में कुछ रोगाण, कुछ रोगाण यौन विष पदार्थ, विष पदार्थ प्रतिरोगाण, प्रतिरोगाण पदार्थ, प्रतिरोगाण पदार्थ के प्रभाव से बच जाते हैं, बच जाते हैं तो उन्हें एक विशेष प्रकार की, एक विशेष प्रकार की स्वायत्त रुधिर कणिकाएं, स्वायत्त कणिकाएं जैसे जो है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट नष्ट करने का कार्य करती है, नष्ट करने का कार्य करती है, जिन्हें प्राकृतिक विनाशकारी कोशिकाएं कहते हैं, जिन्हें प्राकृतिक विनाशकारी कोशिकाएं कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये लिम्फोसाइट जो होते हैं लिम्फोसाइट्स रुधिर के अतिरिक्त जो है, रुधिर के अतिरिक्त प्लीहा, प्लीहा लसिका गांठों यौन लाल अस्थिमज्जा, लाल अस्थिमज्जा में भी पाए जाते हैं। तो हमने क्या बताया कि प्राकृतिक विनाशकारी कोशिकाएं क्या हैं? लिम्फोसाइट कोशिकाओं को ही प्राकृतिक विनाशकारी कोशिकाएं कहते हैं। यह जो है हमारे शरीर के उदय ऊतक द्रव में जो है, ऊतक द्रव में कुछ रोगाणु एवं विष पदार्थ होते हैं, प्रतिरोगाण प्रभाव पदार्थ के प्रभाव से बच जाते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, तो उन्हें जो है एक विशेष, जो है उन्हें एक विशेष प्रकार की स्वायत्त कणिकाएं, जिन्हें हम लिम्फोसाइट कहते हैं, नष्ट करने का कार्य करते हैं। इन्हीं कोशिकाओं को जो है प्राकृतिक विनाशकारी कोशिकाएं कहते हैं। लिम्फोसाइट जो होती है हमारे रुधिर के अतिरिक्त हमारे शरीर में प्लीहा लसिका गांठों यौन लाल अस्थि मज्जा में भी जो होती पाई जाती है।
हाँ ध्यान दीजिएगा। तीसरा भक्षी कोशिकाएं, भक्षी कोशिकाएं हाइपोसाइट, हाइपोसाइट ध्यान दीजिएगा, स्वायत्त रुधिर कणिकाओं, स्वायत्त रुधिर कणिकाओं WBC को भक्षी कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्षी कोशिकाएं कहते हैं WBC या स्वायत्त रुधिर कणिकाओं में जो होता है अमीबा के समान जो है, अमीबा के समान पादपों द्वारा गमन की क्षमता होती है। गमन की क्षमता होती है, ध्यान दीजिएगा, ये WBC जो होते हैं, WBC रुधिर बहाव यानी प्रवाह के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में गमन करते हैं तथा रुधिर केशिकाओं, रुधिर केशिकाओं की दीवार को भेद कर ऊतक द्रव्य में जाते हैं में जाने की इस क्रिया को जो है कणिका पारण, इस क्रिया को कणिका पारण डायपीडेसिस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऊतक द्रव्य में जाने पर जो है ऊतक द्रव्य में जाने पर स्वायत्त रुधिर कणिकाएं अर्थात WBC जो होती हैं अधिकांश रोगाणु विष पदार्थों टूटी हुई सेल कोशिकाओं के मलबे, कोशिकाओं के मलबे यौन अन्य निर्जीव निरर्थक अन्य निर्जीव निरर्थक पदार्थों को पादपों के द्वारा भक्षण करती हैं, इसीलिए इनको जो है भक्षी कोशिकाएं कहते हैं, इसीलिए WBC या स्वायत्त रुधिर कणिकाओं को भक्षी कोशिकाएं कहा जाता है।
पक्षी कोशिकाएं फैगोसाइट्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भक्षण की क्रिया की खोज, इसकी खोज मेच निकाफ नामक वैज्ञानिक ने 1892 में किया। इसके लिए उन्हें 1908 में नोबल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। नेक्स्ट भाई WBC में जो है, WBC में स्वयं कणिकाओं में इमेज जो है न्यूट्रोफिल्स यंग मोनोसाइट्स कोशिकाएं जो होती हैं, ये सबसे जो है प्रभावशाली भक्षी कोशिकाएं होती हैं या भक्षकांड होती हैं। भक्षी कोशिकाएं होती हैं जिसमें जो है न्यूट्रोफिल्स रुधिर प्रवाह के साथ जो है रुधिर प्रवाह के साथ भ्रमण करते हुए भक्षण क्रिया करती है। या करते हैं, सकते हैं, करते हैं, लेकिन जबकि मोनोसाइट्स जो होते हैं, मोनोसाइट्स पहले जो है उत्तर द्रव्य में जाते हैं, उत्तर द्रव्य में जाते हैं जहां पर जो है बड़े बड़े मैक्रोफेज कोशिकाओं में जो है बदल जाते हैं। और फिर न्यूट्रोफिल्स की फांस जो है भ्रमण करते हुए भक्षण क्रिया करते हैं। इसीलिए इन्हें जो है इसीलिए मोनोसाइट को इन्हें जो होता है भ्रमणशील मैक्रोफेज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऊतकों में हमारे शरीर के
कुछ उत्तों में स्थिर मैक्रोफेज होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में जो है त्वचा के त्वचा की हिस्टियोसाइट्स हिस्टियोसाइट्स या पित्त के उपफास सेल्स है। ऊपर सेल्स है, फेफड़ों की कोशिकीय मैक्रोफेज कोशिकीय मैक्रोफेज एल्यूलर मैक्रोफेज यौन तंत्रिका ऊतक की न्यूरोग्लिया सेल्स इत्यादि जो होते हैं ये स्थिर जो है मैक्रोफेज होते हैं। इसमें अपश्वसन क्रिया में जो है भक्षण क्रिया में भक्षित पदार्थ जो होता है एक आवरण युक्त एक आवरण युक्त थैले में बंद होता है जिसे भक्षण आशय भक्षण आशय या फैगोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? फैगोसोम। अंत में जो है फैगोसोम से जुड़ करके जो है फैगोसोम से लाइसोसोम जुड़कर भक्षित पदार्थों को पचाने का कार्य करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अभी ने हमें बताया कि भक्षी कोशिकाएं क्या है। हमारे अंदर की जो श्वेत कणिकाएं जो WBC हो उनको भक्षी कोशिकाएं कहते हैं या फैगोसाइट्स कहते हैं। WBC या श्वेत कणिकाओं में अमीबा के समान पादपों द्वारा जो है गमन की क्षमता होती है। WBC जो होते हैं बहाव या प्रवाह के विपरीत दिशा में गमन करते हैं तथा विद्युत कोशिकाओं की दीवार को पार करके उत्तर द्रव में घूमते हैं जाते हैं या उत्तर द्रव में पहुंचते हैं। इस क्रिया को जो है कणिका पारण या डायपीरेसिस कहते हैं। ऊतक द्रव में पहुंचने पर श्वेत कणिकाएं जो होती है अधिकांश रोगाणु विष पदार्थों टूटी हुई कोशिकाओं के मलबे यौन अन्य निरंतर जो है पदार्थों को जो है पादपों के द्वारा भक्षण करती है उनका अंतर्ग्रहण करती है। इसलिए WBC को श्वेत कणिकाओं को जो होता भक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसकी खोज जो है भक्षण क्रिया की खोज सर्वप्रथम मेस निकाप नामक वैज्ञानिक ने 1892 में किया जिसके लिए उन्हें 1909 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भक्षी कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट सबसे प्रभावशाली भक्षण या भक्षी कोशिकाएं होती हैं, जिसमें जो है न्यूट्रोफिल्स जो है अधिक प्रभाव के साथ भ्रमण इधर उधर भ्रमण करते हुए भक्षण क्रिया करते हैं, जबकि मोनोसाइट जो होते हैं ये पहले ऊतक द्रव में जाते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े मैक्रोफेज कोशिकाओं में बदल जाते हैं और फिर न्यूट्रोफिल्स वहाँ इधर उधर भ्रमण करते हुए भक्षण क्रिया करते हैं। इसलिए मोनोसाइट्स को जो होता है भ्रमणशील मैक्रोफेज कहते हैं।
हमारे शरीर के कुछ ऊतकों में स्थित मैक्रोफेज होते हैं, जैसे प्रकार के एस्ट्रोसाइट, ये पिट की फुफा सेल्स या फुफा कोष हैं, फेफड़ों की कोष्ठ की मैक्रोफेज, एल्वियो मैक्रोफेज, यौन तंत्रिका ऊतक की न्यूरोग्लिया सेल्स। भक्षण क्रिया में जो है, जो भक्षित पदार्थ होते हैं, ये आवरण थैली में बंद होते हैं, जिसे हम जिन्हें हम भक्षण आशय कहते हैं या फैगोसोम कहते हैं। फैगोसोम से अंत में लाइसोसोम जुड़ जाता है, और लाइसोसोम जब जुड़ता है तो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो फैगोसोम में प्रवेश करके भक्षित पदार्थों या रोगाणुओं के पदार्थों को नष्ट करने या पचाने का कार्य होते हैं, वो करते हैं। नेक्स्ट आइए चौथा प्रकार प्रक्रिया या शोध इंग्लिश में इसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन, इंफ्लेमेशन। तो ध्यान देगा शोथ जो होती है यानी पदार्थ प्रक्रिया या इंफ्लेमेशन, ये जो है कई प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला के रूप में होती है, या कह सकते हैं एक श्रृंखला होती है। ध्यान दीजिएगा इसमें जो है पदार्थ प्रक्रिया में इसमें स्वाभाविक प्रति रक्षण के अंतर्गत जो है रोगाणुओं के आक्रमण गर्मी विष पदार्थों चोट लगने यौन जल जाने से जो है प्रक्रिया जो है घटित होती है। ध्यान दीजिएगा इसमें क्षतिग्रस्त ऊतक की मास्ट सेल्स मास्ट कोष हैं तथा रुधिर की प्लेटलेट्स यौन जो है बेसोफिल्स जो होते हैं हिस्टामिन स्पाइनिंग्स प्रोस्टाग्लैंडिंस यौन ल्यूकोट्रिन्स जैसे जो है कई पदार्थ मुक्त करते हैं। ध्यान दीजिए ये जो सभी पदार्थ होते हैं
ये पदार्थ जहाँ पर चोट लग दिया जाता है, क्षतग्रस्त ऊतक की रुधिर वाहिनियों को फैलाने तथा जो है तथा रुधिर केशिकाओं की दीवार की पारगम्यता को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जिससे जो है जहां पर चोट लगती है, जिससे क्षतिग्रस्त ऊतक में ब्लड रुधिर की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे जो है क्षतिग्रस्त ऊतक में रुधिर प्रोटीन यौन तरल प्लाज्मा एकत्र हो जाता है जिससे जिससे क्षतिग्रस्त ऊतक जो होता है लाल यौन गर्म हो जाता है, तथा तरल के एकत्र होने से फूल जाता है, जिससे क्षतिग्रस्त ऊतक में जो है पीड़ा यौन जलन होता है, क्या होता है, पीड़ा यौन जलन होता है। इसी प्रक्रिया को ही या इसी क्रिया को ही तो छात्रों हम अक्सर देखते हैं कि हम जल जाते हैं, चोट लग जाता है, क्या होता है, चोट लग जाता है या गर्मी अधिक हो जाती है या रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जहाँ प्रवेश करते हैं वहाँ पर हमारा उतना भाग जो होता है लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद तरल पदार्थ के एकत्र होने से सूज जाता है, फूट जाता है, जिससे हमें दर्द और जो होता है जलन महसूस होता है, उसे पदार्थ प्रक्रिया कहते हैं। तो पदार्थ प्रक्रिया हमने बताया ये कई क्रियाओं की श्रृंखला होती है, इसमें स्वाभाविक प्रतिरक्षण के अंतर्गत जो है रोगाणुओं का आक्रमण, गर्मी, विष पदार्थ, यौन चोट लगने, यौन जल जाने से जो होता पदार्थ प्रक्रिया होती है। इसमें क्षतग्रस्त ऊतक की मांसपोषकों रुधिर तथा रुधिर के प्लेटलेट्स यौन बेसोफिल्स के द्वारा काइनेंस प्रोस्टाग्लैंडिंस यौन लिपोक्रिन्स जैसे कई पदार्थ मुक्त होते हैं। ये पदार्थ होते हैं क्षतग्रस्त ऊतक की रुधिर वाहिनियों को फैलाने तथा रुधिर के केशिकाओं की दीवार की पारगम्यता को बढ़ाते हैं, उस दौरान जब चोट लगता है जिससे क्षतग्रस्त ऊतक में रुधिर की सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे क्षतग्रस्त ऊतक में रुधिर प्रोटीन यौन तरल प्लाज्मा एकत्र हो जाता है,
जिससे छत्र छोड़कर वायु गर्म हो जाता है तथा तरल में प्लाज्मा के एकत्र होने से फूल जाता है, जिससे व्यक्ति को क्षतग्रस्त होकर में पीड़ा एवं जलन होती है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रदाह प्रक्रिया कहते हैं। लास्ट आइए ज्वर या बुखार। ज्वर या बुखार फीवर, तो ध्यान दीजिएगा हमारे शरीर का ताप जो होता है हमारे शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 जो होता है फारेनहाइट होता है। ध्यान दीजिए ज्वर क्या है, शरीर का जो तापमान अधिक हो जाता है उसे ज्वर कहते हैं। शरीर के तापमान शरीर के तापमान को बढ़ने की क्रिया को कहते हैं, शरीर के तापमान के बढ़ने की क्रिया को ज्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वर कहते हैं। ज्वर केवल ज्वर की अवस्था जो होती है, ध्यान दीजिएगा प्रदाह प्रक्रिया के व्यापक होने यौन रोगाणुओं के अधिक फैलाव के कारण, अधिक फैलाव के कारण ज्वर की अवस्था उत्पन्न होती है। क्या होती है, ज्वर की अवस्था उत्पन्न होती है। ध्यान दीजिएगा ज्वर कुछ रासायनिक पदार्थों जैसे, ज्वर कुछ रासायनिक पदार्थों पदार्थों जैसे पायरोजेंस के कारण होता है। पायरोजेंस क्या होते हैं, पायरोजेंस जो होते हैं, पायरोजेंस पायरोजेंस जो है रोगाणुओं, आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया, रोगाणुओं द्वारा मुक्त, रोगाणुओं द्वारा मुक्त टॉक्सिन होते हैं, विष पदार्थ होते हैं, या जो है प्रतिरक्षण प्रक्रिया में मुक्त किए जाते हैं। प्रिंटी प्रक्रिया में मुक्त किए जाते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा पायरोजेंस जो होते हैं पायरोजेंस मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस में थर्मोस्टेट को
उच्चतम बिंदु पर जो है स्थिर करते हैं, जिससे जो है जिससे शरीर का ताप बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, ज्वर होने पर या शरीर का ताप बढ़ने पर शरीर का ताप बढ़ने पर क्लिया यकृत से जो है आयरन जो है रुधिर में मुक्त किए जाते हैं, जो रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। जो रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, तो छात्रों क्या है, हमने बताया कि शरीर के तापमान के बढ़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, ज्वर कहते हैं। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.45 होता है, ज्वर क्यों होता है, प्रदाह प्रक्रिया अधिक बढ़ जाती है और जो लोग हमारे शरीर में अधिक पकड़े जाते हैं तो ज्वर जो होता है बुखार हो जाता है। इसके अतिरिक्त ज्वर कुछ रासायनिक पदार्थों जैसे पायरोजेंस के प्रभाव से होता है। पायरोजेंस कुछ जीवाणु या रोगाणु द्वारा मुक्त टॉक्सिन होता है या प्रत्यक्षण की क्रिया में इसे होता मुक्त किया जाता है। पायरोजेंस हमारे मस्तिष्क में थैलेमस में स्थित थर्मोस्टेट को जो होता है उत्तम बिंदु पर जो होता है निश्चित करता है, स्थिर करता है, जिससे शरीर का तापमान या बढ़ जाता है, बुखार हो जाता है। शरीर का तापमान बढ़ने पर क्लिया एवं यकृत के द्वारा रुधिर में आयरन मुक्त किया जाता है, जो रोगाणुओं को नष्ट करने का जो अधिकार करता है। तो छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।